Hi, I am Radhika Sharma and currently I am interning with the Lexus Sam company, and as a part of this internship I am making a video on the landmark case, which is Ram Babu Thakur versus Sunil Arora and others 2020. So basically this case is based on criminalization of politics. So as we all know that politics में एक हर टाइप का लोग एंटर करता है, फिर वो चाहे किसी भी लाइक मर्डर हो, रेपिस्ट हो, या फिर उसके ऊपर कोई भी केस चल रहा हो, एंड नेता हो, कैसा भी हो, वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं. या फिर जिनके ऊपर कोई ऐसे केसेस चल रहे हों तो ये लोग मोस्टली चूज़ करते हैं तो पॉलिटिक्स में जाना. सो लाइक इसी सब को देखते हुए ये जो जजमेंट है ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो द जजमेंट ऑफ द डेट ऑफ जजमेंट ऑफ दिस केस इज 13 फरवरी 2020 एंड द बेंच ऑफ द कोरम फॉर दिस केस इज जस्टिस रोहिंगटन फली नरिमन एंड जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड द वी रामा सुब्रमण्यम. लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस. तो इन 2004 द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनमें से लाइक 24% ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से, लाइक टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 24% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में केसेस चल रहे थे. सो जैसे जैसे हम 2004 के बाद 2019 में आते हैं तो ये जो परसेंटेज थी 24 लाइक टोटल पार्लियामेंट आउट ऑफ टोटल पार्लियामेंट विच इज़ इंक्रीज्ड बाय 48%. लाइक टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 48% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में के ऊपर पेंडिंग केसेस चल रहे थे. सो विच इज़ अ चैलेंज फॉर आवर इंडियन पॉलिटिक्स. एंड सो इसी के अंगेंस्ट एक पिटीशन फाइल हुई थी. सो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस जो कि पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, विच वॉज लाइक थोड़ा सिमेट्री है ऑफ दिस केस, तो उसके लाइक उसमें इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा. सो उसमें कहा गया कि इफ सो इफ़ लाइक किसी कैंडिडेट पे कोई पेंडिंग केस है तो क्या उसे उस इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, या फिर जो पहले से ही लाइक या फिर जो कैंडिडेट है वो एक लाइक पद पर है तो क्या उन्हें वहाँ से लाइक रिमूव कर देना चाहिए. तो ये सारी लाइक बातें, ये सारी चीज़ें इस केस में कंक्लूड की गई थी. सो इन पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बोला गया कि जो लाइक बेसिस ऑफ कन्विक्शन है वो लाइक पेंडिंग क्रिमिनल केसेस का लाइक वो बेसिस नहीं होगा. डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस नहीं होगी उस कैंडिडेट के लिए, बट जो रेदर के जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो बेसिस ऑफ कन्विक्शन पे होगी, ना कि पेंडिंग क्रिमिनल केसेस पे. एज एन इफ वो कैंडिडेट या फिर वो पर्सन अगर लाइक आरोपी साबित हो जाता है तो ही हम उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. सो इसी केस का रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेज सुनील अरोड़ा में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सभी को लाइक शो करना होगा, यानी बाय मीडिया प्लेटफॉर्म सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर या उनके रिगार्डिंग कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उन लोग को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देनी होगी, लाइक बाय मीडिया प्लेटफॉर्म. फिर वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, लाइक न्यूज़पेपर हो, रेडियो हो, टीवी हो, एंड सोशल मीडिया हो, लाइक फेसबुक हो, लाइक कोई भी.
लाइक हर वो सोशल प्लेटफॉर्म जिससे कि कॉमन मैन तक लाइक पब्लिक तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर वो उन कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, तो उन्हें ये भी बताना होगा लाइक रीज़न फॉर सिलेक्शन कि आपने उस कैंडिडेट को क्यों सेलेक्ट किया है, कि उनका वो रीज़न देना होगा, सिलेक्शन ऑफ रीज़न लाइक उनकी मेरिट क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कि आपने ऐसे उम्मीदवार को या फिर ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है। थर्ड वन इज़ कि सारी लाइक पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिन्होंने उन लाइक जिनके अंगेंस्ट पेंडिंग केसेस चल रहे हैं उनके सिलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन को विद इन 72 आवर्स ऐसे कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ेगी। एंड दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिस था वो 129 एंड 142 आर्टिकल 129 एंड 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिस बनाया था। एंड बेसिकली इसमें ये था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लाइक उस बेसिस पे नहीं होगी कि पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं, बट बेसिस ऑफ कन्विक्शन पे होगा। थैंक यू।